अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को बिल्कुल ठीक ही रखे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके साथ साथ मुझे भी ठीक रखे। जी, आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज का जो व्लॉग है वो किस हवाले से है। आज जो है शॉपिंग की है हमने, तो वो मैं आपको चाह रही थी कि दिखाऊं। गाइस, शॉपिंग जो है हमने थोड़ी की है, मींस के हम थोड़ा थोड़ा कर कर खरीद रहे हैं क्योंकि बाजार में इतनी गर्मी है। देखें, आज शदीद गर्मी है बाजार में, इतनी गर्मी है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो गर्मी की वजह से, जी तो मैं कह रही थी कि गर्मी की वजह से ज़्यादा देर बाजार में टिका ही नहीं जाता। इतनी गर्मी लगती है के बाज़ार में खड़े ही नहीं हुआ जाता। तो फिर मैंने अपनी छोटी सिस्टर्स को कहा है कि बाज़ार की जो शॉपिंग है वो 4 या 5 दफ़ा में कंप्लीट करो। मींस के एक ही दफ़ा में सारा कुछ नहीं परचेज़ किया जाएगा क्योंकि इतनी गर्मी है, ज़्यादा देर गर्मी में फिरा नहीं जाता, प्यास लगती है, थक जाते हैं, बच्चे साथ होते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा करके ख़रीद रहे हैं। जो आज की शॉपिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि आज हमने क्या क्या लिया है। जी, सबसे पहले है ये जी, मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है। खुल जा भाई, खुल जा, शॉपर से निकल ही नहीं रहा। शॉपर कह रहा है मैंने नहीं देना। जी, क्या है इसमें? में है, वाह, राजिया के जूते। आपको तो पता ही है व्यूवर्स कि राजिया कौन, जिसको आप देख रहे हैं, राजिया ने ये सैंडल दी है। तो बस जी, राजिया ने ये सैंडल ली है, बहुत ही खूबसूरत सैंडल है। सिल्वर एंड लाइट सा गोल्डन कलर है, बहुत प्यारी है। तो उसको पहना के चेक करेंगे कि कैसी है से पहले। और दूसरे शॉपर में क्या है? जी, ये सूट है, इसके साथ ये शर्ट है, और क्या है? ये भी सूट है। जी व्यूवर्स, ये हमने सूट लिया है, ये मेरा नहीं है, छोटी सिस्टर का है। ये शलवार है, काम हुआ है, इस पर आप देख सकते हैं तिल्ले का काम हुआ है। शलवार है, शलवार के ये पोंचों पे ये आएगा काम। और उसके बाद ये क्या है? जी ये है दुपट्टा, नहीं ये दुपट्टा नहीं, सॉरी, ये है जी, ये दुपट्टा है गाइस, इसके साथ, इसके साथ ये दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत, ऑसम। और ये है शर्ट गाइस, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा। जी वीवर्स, ये देखें, ये शलवार है जिस पर तिल्ले का काम है, और ये शर्ट है, ये पूरी लेंथ इसकी, ये फ्रंट में ये वाला मोटिव आएगा, कितना खूबसूरत कलर, इतने फंकी और मज़े के हैं, ब्राइट समर के हिसाब से। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी ऑसम खूबसूरत है वीवर्स, बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है। और ये हमने लिया है 1500 का 2 पीस, प्योर लोन है, 1500 में 2 पीस लिया है। और ये 500 की जो है साथ शलवार मैच की है तिल्ले की, तो ईद के हवाले से थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, फैंसी भी चाह रहे थे ईद के हवाले से, तो फिर ये परचेज़ किया है। 1500 की हमने ली है ये शर्ट और दुपट्टा, और ये 500 ये आ गया, तो ये 2000 में हमें पड़ गया ये सूट। अब इसकी सिलाई, इस पे लेस वगैरह जो लगेगा वो अलग, तो ईद में तो थोड़ा चलता ही है। तो जो नेक्स्ट है वो आपको मैं दिखाती हूँ, नेक्स्ट है, इसको मैं इधर करती हूँ। जो नेक्स्ट सूट है मेरी सिस्टर का, ये व्यूअर्स मेरी सिस्टर का ड्रेस है, मेरे नहीं है, मैं तो अभी आपको अलग से व्लॉग बना कर दिखाऊँगी। जी वीवर्स, एक ये सूट है, ये भी देखें कितना प्यारा, मज़े का और फंकी सा है, लाइट सी ग्रीन और ग्रे कॉम्बिनेशन में है, और फ्लावर्स ये शर्ट के बिल्कुल सामने, इतना प्यारा मोटिव है। ये शर्ट ऐसे बनेगी, ये फ्रंट, और ये ऐसे
नेक, और फिर ये है वन पार्ट और ये दूसरा पार्ट है जी। उसके बाद बैक उसकी साइड पे है, लगी हुई है। ये एक शर्ट पीस है, इसके साथ ट्राउज़र अभी मैच करना है। तो ये जो शर्ट है हमें मिली है 800 की, सिर्फ जो शर्ट है वो 800 की मिली है। इसके साथ तकरीबन 500 की शलवार मैच हो जाएगी और 300 या 400 में दुपट्टा आ जाएगा। अलग अलग परचेज़ करेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत थ्री पीस सूट बन जाएगा जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मैं आपको दिखाती हूँ इस चापर में। ये क्या है, क्रीम जी, ये फोकस हो जा, ये क्रीम है, ये मैं नाइट क्रीम लगाती हूँ तो इससे ज़रा स्किन थोड़ी सी ग्लो करती है, थोड़ा सा तो शुगल चलता ही है जी। ईद आ रही है तो ज़रा घर में मेहमानों ने आना जाना है तो गर्मी की वजह से तो वैसे ही स्किन बर्न हो रही है, हर वक्त स्वेटिंग होती रहती है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ बूथा शूथा चमका लें, कोई आए तो हट्टे मुँह तो ना ना के और ये जी, ये आपके जो फेवरेट है जी हीरो, देसी हीरो हमारा, उसके सैंडल है। तो सैंडल छोटे आ गए हैं, अब चेंज करवाना है। तो पहना था अला यार ने और बहुत ही प्यारा है। अला यार तो बहुत ज़िद कर रहा था कि मैंने सैंडल उतारना ही नहीं है, तो मगर छोटे आ गए हैं अला यार के, क्योंकि अला यार के जो पैर है ना, अला यार के क्या तीनों ही भाई बहनों के पाँव, वो हल्क है ना, हल्क वो एक कार्टून करेक्टर है, हल्क ग्रीन कलर का जो होता है, उसके पैर बड़े बड़े भूतों जैसे हैं, उनके जैसे हैं, बहुत बड़े बड़े पैर हैं भूतों जैसे जी। नेक्स्ट क्या आया जी, राजिया की ज्वेलरी आई है, कैचर, और ये शमा मेरे लिए लाई है और ये राजिया के लिए, ये अपने लिए। और क्या आया है जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त, क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे रिवर, मुझे नहीं समझ आ रही इसको क्या कहेंगे। वैसे हाथ में चूड़ी टाइप ही है, इसको ऐसे हाथ में पहनने के लिए देखिए बहुत ही खूबसूरत है, जब राजिया इसको पहनेगी तो बहुत ही प्यारा लगेगा। वैसे है भारी, गर्मी है इतनी तो बकरा ईद में और शदीद गर्मी होनी है। चलें जी देखते हैं, बच्चों के शौक तो अलग ही हैं। और ये राजिया की जीन्स हैं और ये भी राजिया की पिंस हैं, ये मुझे लग रहा है राजिया की नहीं, ये मम्मा उसकी अपने लिए मैच करके लाई है। देखिए ना बस बिल्कुल मैच है, ये मुझे लग रहा है वो अपने लिए मैच करके लाई है। चलें जी ओके ठीक है। और ये क्या है जी, ये राजिया की रिंग्स हैं, ये देखिए व्यूअर्स कैसी है, देखिए फोकस, ये देखें अब आपको नज़र आएगा, ये राजिया की रिंग्स हैं और ये भी राजिया की रिंग, एक रिंग ये है राजिया की जी। चलें जी, राजिया की ज्वेलरी हो गई है। उसके अलावा और क्या है जी, नेक्स्ट शॉपर में और क्या है देखते हैं जी। ये अल्लाह यार का ड्रेस कैसा है देखिए, मैंने कहा था कि लाइट कलर्स लाना मौसम के हिसाब से, तो वाओ मज़े का, कितना कूल कलर है, इतना प्यारा कलर है, गर्मियों में देख के मज़ा आ जाए। व्यूअर्स आपको वीडियो में जो है ना कलर अजीब सा लग रहा होगा मगर रियली बहुत ही मज़े का कलर है, लाइट पिस्ता सा कलर था, लाइट पिस्ता सा वो वाला कलर है। और ये है शर्ट और ये ट्राउज़र, ये ट्राउज़र नहीं निक्कर कहेंगे, सॉरी निक्कर। और फिर ये दूसरा सूट, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है, एक हाथ से वीडियो बना शूट कर रही हूँ तो बड़ा मुश्किल हो रहा है जी। दूसरा सूट है तो गलती हो जाए तो माफ़ी। व्यूअर्स आप मेरे वीडियो को शेयर करें, कंप्लीट वीडियो देखें जी। दूसरा सूट ये है, वाह ये भी बहुत प्यारा है, डिसेंट सा, बहुत ही मज़े का कलर है। अच्छा मैं आजकल इस कलर पे बड़ी फिदा हुई हूँ, येलो नहीं है, ये येलो का लगता है कोई बड़ा भाई है ये येलो नहीं है, येलो का कोई बड़ा भाई है, थोड़ा सा डार्क मैंगो सा पक्का हुआ, जैसे मैंगो नहीं होता वैसा कलर है। इस पर आजकल मैं बड़ी फिदा हुई हुई हूँ जी, बड़ा मेरा दिल हो रहा है मैं दो चार सूट बना लूँ।
वैसे मेरी जो है ना एक खासियत है व्यूवर्स, हर मौसम में मुझे कोई ना कोई एक कलर बहुत ही भा रहा होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि जो कलर मुझे पसंद आ रहा होता है कि उस कलर की हर चीज़ ही मैं ख़रीदना शुरू कर देती हूँ, वो चाहे बर्तन हो, चाहे जूते हो, चाहे स्कार्फ हो, चाहे चम्मच हो और चाहे कपड़े हों, वो मेरी हर चीज़ ही जो है ना मेरे को वो बस पसंद आ रही होती है। छोटी ईद में मुझे येलो का इतना क्रेज़ हुआ हुआ था, इतना येलो का वो सबने ही येलो बना लिया, मैंने येलो ख़रीदा, मेरी फ्रेंड्स ने और शम्मा ने, बच्चों के सबके येलो 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 हो गया जी। अच्छा, इस ईद पे मुझे अब पर्पल का क्रेज़ हुआ हुआ है, पर्पल जी मैंने अब पर्पल बनाना है, तो अब शम्मा ने तो पर्पल नहीं लिया, ये देखिए मेरे लिए कैसे लेके आई है। मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी अपनी शॉपिंग पे और आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस कलर के और क्या क्या बनाया है। तो व्यूवर्स, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ममनून है हूँ मैं आप लोगों की। और अगर वीडियो बनाने में या चीज़ों में थोड़ी सी गलती या नहीं पसंद आ रही तो वेट एंड वॉच, मैं इंशाल्लाह ज़रूर मेहनत करूँगी, इम्प्रूव करूँगी अपनी गलतियों को और कोशिश करूँगी कि परफेक्ट जो है ना वीडियो आप तक हर चीज़ पहुँचाऊँ। तो व्यूवर्स देखें, शाम हो गई है, शाम हो गई, ये हमारे छत है जी, छत पे हम चढ़े हुए हैं, तो चारपाइयाँ मैंने लगा दी हैं रात को सोने के लिए, ये सारी बच्चे हम सब ऊपर सोते हैं। तो मैं, अच्छा जी, आपसे अल्लाह हाफिज़ कहने का टाइम आ गया, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो तमाम कंप्लीट देखें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ओह सॉरी 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 व्यूवर्स, मैं आपको ये दिखाना भूल गई थी, पार्सल आया है, पार्सल में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं आपको हेयर ऑयल जी, ये हेयर ऑयल मंगवाया है हमने हेयर फॉलिंग के लिए, आजकल बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं अब गर्मी की वजह से या बरसात की वजह से। वैसे जो शॉपकीपर्स हैं ना वो हम उनसे पूछो कि भाई कोई अच्छा शैम्पू है तो बता दें कि बाल ना गिरे, तो वो तो बेचारे कोई भी नहीं बताते होते, बट फेसबुक पे देख रही थी वीडियो तो फिर देखा कि ये वाला है, इसके रिव्यूज़ बड़े अच्छे आए हुए हैं, तो मैंने सोचा मंगवा के देखती हूँ, तो ये मैंने मंगवाया है, आज ही देकर गया है, तो देखते हैं जी। लिखा हुआ है टोटल केयर हेयर ऑयल रिड्यूस हेयर फॉल, अच्छा जी, ग्रोथ होनी है और फाइट ड्राइनेस है, रियली, अच्छा जी, चलें देखते हैं। अब ये तो अब मैं दिखा देती हूँ आपको, इसमें देखिए काफ़ी कुछ शामिल है, एलोवेरा है, ऑलिव ऑयल है, कस्टर्ड ऑयल है, आलमंड ऑयल है और मस्टर्ड ऑयल भी है, लेवेंडर ऑयल भी है, पम्पकिन भी, वाह भी वाह, ये सारी वेजिटेबल्स जो है ना हर्बल वो लग रही हैं। अब मैं जी इसको ऑयल को इस्तेमाल करती हूँ, देखते हैं फिर कोई 15 दिन फिर मैं आपको इसका बताऊंगी कि ये कैसी है, ये रिकमेंड नहीं है, ये मैं रिव्यू नहीं कर रही हूँ व्यूवर्स, मैं वैसे ही मैंने पार्सल मंगवाया है तो मैंने आपको बस शेयर कर लिया आपके साथ कि मैंने ये मंगवाया है, तो इसको इस्तेमाल करूँगी तो फिर पता चलेगा कि बालों की क्या दुर्गत बन रही है, ठीक है। इस ये मैं कोई रिव्यू नहीं कर रही प्लीज़, तो मैं सिर्फ जस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने ये पार्सल आया है मेरा, मंगवाया है मैंने, तो इस्तेमाल करके फिर आपको बताती हूँ क्या है ये।